गुना पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया पर्दाफाश। गुना पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सगर द्वारा शहर के कपड़ा व्यवसायी के साथ हुए उपरोक्त प्रकरण को गंभीरता से लिया और शहर में इस तरह से सेक्स रैकेट चलाकर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाने वाली गैंग का शीघ्र पर्दाफाश किए जाने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल पाटीदार एवं CSP गुना श्रीमती श्वेता गुप्ता के मार्गदर्शन में गुना कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव और उनकी टीम को आवश्यक दिशा निर्देश देकर लगाया गया। गुना कोतवाली से उप निरीक्षक अमित अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम द्वारा अपराध की गहनता से विवेचना करते हुए प्रकरण के आरोपियों की सरगर्मी से तलाश और पतारसी की गई। इसमें विभिन्न तकनीकी संसाधनों की मदद ली गई, जिसके परिणाम स्वरूप गुना कोतवाली पुलिस ने आरोपियों की तलाश करने में शीघ्र ही सफलता मिली और आज दिनांक 1 सितम्बर 2023 को आरोपी गण देवेंद्र पुत्र प्रीतम सिंह जाधौन उम्र 27 साल निवासी गण भगत सिंह कॉलोनी गुना अमित कुछ बंधिया पुत्र खिल्लू गौड़ उम्र 36 साल निवासी राधा कॉलोनी गुना शाश्वी सेन पुत्र नरेंद्र सेन उम्र 36 साल निवासी चौधरन कॉलोनी गुना चंद्रमोहन उर्फ चंदो पुत्र शिवशरण ओझा उम्र 36 साल निवासी श्रीराम कॉलोनी गुना श्याम सोनी उम्र 63 साल निवासी सदर बाजार गुना गिरोह की महिला सदस्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है और आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल 1 पेनड्राइव 1 वाईफाई 1 हिडन कैमरा और 1 मेमोरी कार्ड जब्त किया गया है। गिरफ्तार शुदा आरोपियों द्वारा पूछताछ पर सेक्स रैकेट चलाना स्वीकार करते हुए बताया कि उनके गिरोह की महिला सदस्य के माध्यम से सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती कर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं और उन्हें अपने पति पर बुलाकर नशे की गोलियाँ खिलाकर उनके साथ संबंध बनाते हुए कमरे में लगे बल्ब के होल्डर में लगाए गए हिडन कैमरे से वीडियो बनाकर वीडियो डिलीट करने के बदले में लोगों को ब्लैकमेल करते थे। उनके द्वारा उक्त घटना के अलावा भी अन्य लोगों के साथ भी ब्लैकमेलिंग की इस तरह की अन्य वारदातों करना बताया है। अपडेट मीडिया के लिए गुना से इदरीस मंसूरी के साथ अल्ताफ अहमद की रिपोर्ट। गुना के थाना कोतवाली में एक सक्रिय जो सेक्स रैकेट एक जो ग्रोह था उसका पर्दाफाश किया। विगत दिवस में एक कपड़ा व्यवसायी को लगातार परेशान किया जा रहा था और उससे 3 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। इस पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध हुआ और इस पूरा ग्रोह की गिरफ्तारी हुई। इसमें एक महिला सहित 5 पुरुष हैं और सभी को गिरफ्तारी की गई है। और साथ में चूँकि मैं अपील भी करना चाहता हूँ पूरे नगरवासियों से, पूरे ज़िले के सभी गणमान्य नागरिकों से, कि इस प्रकार का घटनाक्रम अगर कहीं हो रहा है तो कृपया संज्ञान में लाएं ताकि इस प्रकार के रैकेट और इस प्रकार के जो है शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मेरे द्वारा पूरा पुलिस पार्टी जो हमारी है थाना कोतवाली की, उसको मेरे द्वारा प्रशंसा पत्र दिया गया है और भविष्य में भी चूँकि इस प्रकार की अगर कोई शिकायत मिलती है तो मेरे द्वारा निर्देश भी दिया गया, तत्काल कार्रवाई की जाए। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।